हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के जो डे का सबसे इम्पॉर्टेंट मील लेके आई हूँ, यानी कि इवनिंग स्नैक। मैंने हर पे बात कर ली, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे बात कर ली, लंच पे बात कर ली, डिनर पे बात कर ली, लेकिन अभी मैं स्नैक्स को थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ था। तो क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्नैक्स में क्या लें, स्नैक्स अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ स्नैक्स शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जो इवनिंग स्नैक है वो हमारे डिनर पर भी काफी इफेक्ट डालता है कि हम डिनर किस तरह का लें। अगर हमने थोड़ा सा हैवी स्नैक इवनिंग में नहीं लिया है तो हम डिनर में थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो स्नैक्स में ऐसी चीजें लीजिए जो फुल ऑफ फाइबर हो और आपके पेट को बहुत अच्छे से भरा फील कराए ज्यादा देर तक, जिससे कि आप डिनर जो है थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लें, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और मतलब बहुत ही टेस्टी स्नैक लेके आई हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस वीडियो के लिए कि आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और मतलब कि मैं इसे काफ़ी दिनों से ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं आप लोगों के साथ ये जो है स्नैक नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन काफ़ी टेस्टी स्नैक है और सबको पसंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब बहुत या सुपर एक्साइटेड हूँ इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि स्नैक जो इवनिंग स्नैक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील है हमारे डे का, जो हमारे वेट लॉस और वेट गेन पे बहुत निर्भर करता है। क्योंकि जब खाना खाए, आई थिंक हमने 12-1-2 बजे खाया होता है, और जब 5-6 बजते हैं तो हमें फिर से भूख लगती है, और उस समय हम थोड़ा सा अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। और नहीं रोक पाने में अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिक रेट को बिल्कुल स्लो कर देगा और आपका जो वेट है वो गेन होने की पोजीशन में आ जाएगा। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे देख रहे हैं, तो मुझे अगर उस रेसिपी को देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में एक जो लिंक इतनी छोटी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी से स्नैक बनाने के लिए आपको चाहिए भुट्टा, जिसे कॉर्न भी बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्वीट कॉर्न नहीं लेना है, जो ठेले पे मिलते हैं और लोकल मार्केट में इजली मिलते हैं, जो लोग भुट्टा भून के देते हैं आग पे, आपने देखा होगा। लेकिन आपको स्वीट कॉर्न नहीं लेना है जो बेकरी या और शॉप्स में मिलते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो नॉर्मल ठेले पे मिलते हैं, लोकल मार्केट में मिलते हैं, आपको वही वाले भुट्टे लेने हैं। और आपको जिस अकॉर्डिंग खाने वाले हों, आप एक या दो जैसे भी बना सकती हैं, तो सबके जो दाने हैं आपको सेपरेट करना है। और इसीलिए मैं ये दाने निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है कि आप दाने निकालने में, लेकिन और सबसे अच्छी बात है आप इसे बॉयल करके अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने पूरे दाने निकाल लिए हैं, और अब आपको इसे देखना है कि थोड़ा बहुत साफ़ कर लीजिए जो आपको भी लगे इसमें। उसके बाद आपको इसे कुकर में डाल के, मतलब कि थोड़ा सा दानों के ऊपर पानी रहे और उसमें रॉक सॉल्ट डाल के, जो सेंधा नमक होता है, उसके बाद आपको 2 या 3 सीटी लगानी है। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप ये भुट्टा खरीदें तो थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए, तभी अच्छा सा पकेगा। अगर टाइट हो गया है तो आप 4 से 5 सीटी लगाइएगा। तो इसमें बड़े वाले 2 कप में पानी डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें रॉक सॉल्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि ऊपर से मैं नमक नहीं मिलाऊँगी, मैं इसमें पहले ही नमक मिला दूँगी। और ये क्योंकि मेरे मुलायम वाले भुट्टे थे तो इसमें मैं 2 सीटी ही लगाने वाली हूँ, ज़्यादा सीटी नहीं लगाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे जो कॉर्न हैं वो बॉयल हो चुके हैं और मैं इनकी सीटी भी निकाल चुकी हूँ। इसके बाद अब बारी आती है इनको चाट बनाने की। तो आपको इसका पूरा पानी जो है वो निकाल देना है, आप किसी भी हेल्प से निकाल सकती हैं। और इस पूरे भुट्टे को आपको किसी भी बाउल में निकाल के रखना है। उसके बाद आप जो भी मसाले खाती हूँ, या फिर आप प्याज खाती हूँ, आप टमाटर खाती हूँ, जैसा आपका स्वाद है वो उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसा मेरा टेस्ट है यहाँ पर मैं उस अकॉर्डिंग बना रही हूँ, लेकिन आप इसमें फ्लेवर्स दे सकते हैं, आप तीखा कर सकते हैं, आप थोड़ा चटपटा कर सकते हैं, मतलब कि हर तरह का टेस्ट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से इवनिंग स्नैक में इसे लेती हूँ। तो इसके बाद
मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डालूँगी और मैं इसमें रॉक सॉल्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ तो मैं वो नहीं डालूँगी और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चाट मसाला यूज़ करूँगी। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और जस्ट लाइक चाट का भी फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो और तीखा भी कर सकते हैं लेकिन, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड करूँगी, वो मैं प्लेट में निकालने के बाद ऐड करूँगी। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसमें कैसा फ्लेवर देखना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। आप ऊपर से हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं, आप थोड़ी सी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें। जैसे कि मान लीजिए आपने बॉयल करके शिमला मिर्च रखी हुई है या फिर आप कुकुम्बर इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आपके क्रिएशन पर है कि आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं या किस तरह से खाते हैं। तो मैं इस तरह से खाती हूँ, आपको एक आइडिया दिया है, उसके बाद आप किस तरह से खाएँ ये आपके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर मैं प्लेट में इसे निकाल रही हूँ जितना मुझे खाना है, इसके बाद मेरा जितने मेरे हस्बैंड को खाना या दूसरे लोगों को खाना है मैं उन्हें ये सर्व करूंगी। और मैं इसमें हाफ लेमन डालूंगी क्योंकि खट्टा बहुत ही टेस्टी लगता है खाना इन सारी चीज़ों को। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को, यकीन मानिए काफ़ी अच्छा है और आपके वेट मैनेज एंड वेट लॉस दोनों में ये। देखा कितनी टेस्टी रेसिपी थी और फुल फाइबर थी, जिसे खाएंगे बहुत देर तक पेट आपका फुल रहेगा और वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा, बहुत टेस्टी भी रहेगा। क्योंकि लोगों के मन में ये होता है ना कि मतलब कि टेस्टी नहीं होता है खाना जो होता है और जो वेट लॉस करते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है, बेकार सा घास फूसा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेके आती हूँ जिससे कि आप मोटिवेट रहे और उसको फॉलो करते रहे, बीच में अपनी जो डाइट है उसे बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।